फाइनली OnePlus ने लॉन्च कर दिया अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन जिसका नाम OnePlus ने रखा है OnePlus Open। तो इस वीडियो में हम क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं OnePlus Open के साथ में Samsung Galaxy Fold 5 का, देखने वाले हैं दोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों में क्या ही बेस्ट फ़ोन मिलने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में दोनों फ़ोन अवेलेबल हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप OnePlus Open देख सकते हैं और Fold 5 दोनों ही अवेलेबल हैं। यहाँ पे OnePlus में कैमरा प्रोटोजन जो है, कैमरा का लेंस काफ़ी ज़्यादा बाहर है। स्लिमनेस की बात करेंगे थोड़ा सा स्लिम है ये कंपेयर टू Fold 5 के। जैसे अगर हाइट की बात कर ले तो 153.4 mm की हाइट के साथ में आता है OnePlus, जबकि Fold 5 154.9 mm की हाइट के साथ में आता है। मतलब हाइट जो है वो Fold 5 की थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 73.3 mm के साथ में आता है OnePlus और 67.1 mm के साथ में आता है Fold 5। और थिकनेस की बात करें तो 11.9 mm की थिकनेस है OnePlus की, जबकि Fold 5 13.4 mm थिकनेस के साथ में आता है। मतलब ज़्यादा स्लिम जो फ़ोन है वो OnePlus का फ़ोन ज़्यादा स्लिम है। और अगर लाइट वेट की बात करें तो OnePlus आता है 239 ग्राम के साथ में, जबकि Fold 5 आता है 253 ग्राम के साथ में। यानी कि लाइट वेट भी आपको ज़्यादा OnePlus ही मिलने वाला है। इसकी स्क्रीन की तो इनसाइड अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो 7.82 इंच के साथ में आता है OnePlus का, जो कि थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू Fold 5, क्योंकि Fold 5 7.6 इंच की स्क्रीन के साथ में आता है। लेकिन स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो है 89.6% का मिलता है आपको OnePlus में, जबकि Samsung में आपको 91.1% का मिलता है। क्योंकि Samsung में जो कैमरा है इनसाइड वो अंडर डिस्प्ले कैमरा आता है, बट OnePlus में जो है वो आउटर दिया हुआ है, मतलब डिस्प्ले के ऊपर है कैमरा। और अगर इसकी साइज़ की बात कर लें आउटर डिस्प्ले की, तो 6.3 इंच के साथ में आता है OnePlus का, जबकि Samsung आता है 6.2 इंच के साथ में। मतलब स्क्रीन साइज में आउटर में भी OnePlus थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है कंपेयर टू Fold 5। प्रोटेक्शन की बात कर ले तो OnePlus में जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ में आता है, जबकि Samsung आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम दे रहा है। Samsung में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 भी मिल जाता है, जो कि ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू OnePlus। अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑक्सीजन OS के साथ में आता है 13.2, जो कि OnePlus में आपको मिलता है एंड्रॉयड 13 के साथ में आता है ये। लेकिन आप अगर Fold 5 में देखेंगे तो One UI जो टिपिकल Samsung का UI है 5.1.1 में आता है, और Android 13 के साथ में ये भी आता है। दोनों में आपको चार बार का Android अपडेट मिलने ही वाला है। और प्रोसेसर देखेंगे तो दोनों में सेम ही है, Snapdragon 8 Gen 2। लेकिन OnePlus जो है वो 512 GB मेमोरी के साथ में आता है, इसका एक ही वेरियंट है, जबकि Samsung Fold 5 में आपको 256, 512 एंड 1 TB, ये तीन वेरिएंट के साथ में मिल जाता है। तो मेन बात कर लेते हैं कैमरा की, तो जो इसका मेन कैमरा है OnePlus का वो 48 मेगापिक्सल है। फिर उसके बाद अगर टेलीफोटो देखेंगे तो 64 मेगापिक्सल है एंड 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जबकि Samsung में मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल है, जो कि डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल है और अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल है। तो यहाँ पे ये होगी आउटर कैमरा की बात। अगर क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी में नो डाउट Samsung ज़्यादा बेटर क्लैरिटी देता है, बिकॉज इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आता है, और डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसका कैमरा बहुत ही बेहतरीन है। तो बात कर लेते हैं इनसाइड कैमरे की, तो इनसाइड में जो कैमरा Samsung ने दिया है, Samsung का कहना है कि मोस्टली इनसाइड कैमरा जो है वो सेल्फी के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा, वो वीडियो कॉलिंग के लिए किया जाएगा, तो 4 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि OnePlus 20 मेगापिक्सल इनसाइड कैमरा देता है। आउटर कैमरे की बात करें जो कि 32 मेगापिक्सल के साथ में आता है OnePlus में, और जबकि Samsung सिर्फ 10 मेगापिक्सल देता है। क्लैरिटी नो डाउट Samsung की ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू OnePlus। मेन बात कर लेते हैं बैटरी की, जो कि OnePlus में है 4805 यानी 4805 mAh की बैटरी आती है OnePlus में, और Samsung देता है 4400 mAh बैटरी। तो बैटरी का थोड़ा सा फ़र्क है, मान सकते हैं कि आधा एक घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा यूसेज में, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करें और रिज़ल्ट देखें तो Fold 5 कहीं कहीं बेटर लगता है। प्राइसिंग भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन है, लेकिन अगर आपके पास HDFC क्रेडिट कार्ड है, अपग्रेड ऑफ़र, काफ़ी ऑफ़र Samsung चलाते रहता है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। तो अगर मेरा सजेशन लेंगे तो Fold 5 ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू OnePlus, क्योंकि OnePlus का ये फर्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन है, आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये हम नहीं कह सकते, जबकि Samsung का ये 5th जनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन है। Samsung इससे पहले 4 बना चुका है और सारी प्रॉब्लम्स को झेल चुका है, उसे पता है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।